गांव में अक्सर लोग अपने खेत या घर के पास वाली खाली जमीन पे सब्जी भाजी लगाते हैं, या बहुत लोग गांव में खुद की खेती करते ही होंगे। लेकिन आज हम कुछ नई विधि से खेती करने का तरीका बताते हैं। इस विधि का नाम बोरे में सब्जी की खेती है। नाम कुछ अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सच यही है। ऐसे किसान जिनके पास थोड़ी सी भी जमीन नहीं है, वह भी खुद की उगाई हुई सब्जी का आनंद ले सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कैसे होती है बोरे में सब्जी की खेती। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उसका नाम है बोरे में सब्जी की खेती कैसे किया जाए। हाँ भैया। तो चलिए हम आप लोगों को उसका हम प्रक्रिया बतावे कि कैसे वो किया जाए। दीदी, बोरे में सब्जी की खेती में क्या क्या सामग्री लगेगा वो हम आपको दिखाते हैं, और हम फिर उसको प्रक्रिया करके बताएंगे ना भैया। देखिए दीदी, सबसे पहले हम बगीचा की मिट्टी ये लाए हैं। अच्छा भैया, बगीचे की मिट्टी क्यों लाते हैं, हम खेत की मिट्टी क्यों नहीं लाएंगे? देखिए दीदी, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि खेत में अभी इतना दिनों से केमिकल दे करके उपजाया जा रहा है, वो केमिकल देते देते वह मिट्टी खराब हो चुका है, इसलिए हम उसका मिट्टी नहीं लिए, हम बगीचा की मिट्टी लिए। उसके बाद इसमें हम ये देखिए दीदी, ये बर्मी कंपोस्ट, अब इसमें हम जो है 1/4 यानी 3 हिस्स मिट्टी और 1 हिस्स बर्मी कंपोस्ट उसमें डालें। हाँ भैया, बर्मी कंपोस्ट देने से क्या होगा? देखिए दीदी, ये बर्मी कंपोस्ट हम लोग इसलिए डालते हैं, इसमें पौधा का पोषक तत्व रहता है, पौधे को ताकत मिलने के लिए तत्व। लेकिन आजकल केमिकल से जो लोग खेती कर रहे हैं, इसके उसको खत्म करने के लिए हम बर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा भैया, जिनके पास बर्मी कंपोस्ट नहीं रहेगा तब क्या देंगे? बर्मी कंपोस्ट के बदले दीदी 1 साल का सड़ा हुआ गोबर भी आप दे सकते हैं। गोबर दे सकते हैं सड़ा जी। उसके बाद एक प्लास्टिक का बोरा भी इसमें लगता है। भैया ये बोरा जो दे रहे हैं, क्योंकि जूट के बोरा में नहीं दे सकते हैं। देखिए दीदी, यह प्लास्टिक का बोरा इसलिए हम देते हैं, ये सड़ता नहीं है जल्दी, और वो जूट का बोरा जो है कुछ दिन के बाद सड़ जाएगा, वो फिर तो फसल अधूरा ही रह जाएगा, इसलिए हम प्लास्टिक का बोरा देते हैं। और फिर इसमें कटिंग भी करना पड़ता है, अगर जूट का बोरा हम करेंगे तो बेकार। देखिए दीदी, उसमें एक बांस भी लगेगा, जिसमें कि ये चारों तरफ से देखिए फटा हुआ होना चाहिए। फटा हुआ इसलिए देते हैं कि इसमें हम पानी जब डालेंगे तो इस बोरी में जो मिट्टी डाल करके रखेंगे, इसमें पूरी तरह से पानी आराम से पहुंच जाएगा। अगर हम बढ़िया वाला देंगे वो पानी तो अंदर जाएगा नहीं, इसलिए हम ये फटा हुआ पानी डालेंगे। इसमें 4 प्रकार का बीज है, जो कि बीजामृत से उपचारित किया हुआ है। ये कदीमा का बीज है, और ये कद्दू का बीज है, और ये फिर झींगा का है, और ये कोहरा का बीज है। जब ये चारों हम उसमें लगा देंगे, उसके बाद दीदी ये हम साग का बीज, ये साग का बीज जो हम ऊपर से बोरी के सबसे ऊपर वाले सतह पर ये हम साग बोएंगे, और ये साग बोने से उसमें ये फायदा होता है दीदी, इस साग तो हम उगा ही लेंगे, और वो साग जब लगा हुआ रहेगा ऊपर में तो वो मिट्टी का जो है बोरी में जो मिट्टी है उसमें भी नमी बना रहेगा, इसलिए हम साग भी बोएंगे। अच्छा भैया, ये तो 4 प्रकार का हमको बोरी में बीज लगाने के लिए बता दिए है, और ऊपर से 1 साग भी बता दिए है, हम तो सब गरीब दीदी अच्छा खेती के बारे में बता रहे हैं। यही तो गरीब दीदी के लिए वरदान है दीदी। अच्छा भैया,